तो भाई मेरी मानो ना, तो मत लो इस गाड़ी को। मैं आपको एक्चुअल रीज़न भी बताता हूँ नहीं लेने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ त्रिमुगस्वामी गाइस। और ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे गाड़ी खड़ी है, ये तो ऑफिशियली अभी बंद हो चुका है इंडिया में बनना, पर अभी आप इसको सेकंड हैंड खरीद सकते हैं सेकंड हैंड मार्केट में। तो इस वीडियो में यही होने वाला है, मैं बताने वाला हूँ, इस गाड़ी को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आइए इस गाड़ी अभी लेना सही है कि नहीं सेकंड हैंड के रूप में। तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी को। तो सबसे पहले फ्रंट से लुक दिखाता हूँ मैं। तो भाई फ्रंट से लुक कुछ ऐसी, उससे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। चाबी में सिंपल एकदम चाबी, एक लॉक एक अनलॉक का बटन दिया हुआ है, कुछ इस टाइप की ग्रिल है, आगे में प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलता है, नीचे में इंडिकेटर है और फॉग लैंप है अपना। इस साइड भी अपना वही चीज़ है, और आगे में अपना फोर्ड का लोगो, ये इसका ग्रिल और एयर वेंट्स दिया हुआ है अपना, नीचे नंबर प्लेट है। साइड में आ जाते हैं। सो गाइस, मैं आप लोग को यहाँ पे टायर साइज़ बता देना चाहता हूँ। टायर साइज़ हमें मिलता है 15 इंच का, और ये अलॉय व्हील के साथ आता है, जिसमें फ्रंट में डिस्क देखने को मिलता है, लेकिन पीछे में हमें डिस्क देखने को नहीं मिलता है। ORBM है, और ORBM में ही लगा हुआ है अपना इंडिकेटर, साइड में फेंडर पे नहीं दिया हुआ है, अच्छी बात है। और कुछ वैसा अपना पीछे से लुक आता है, यहाँ पे दिया हुआ है अपना फ्यूल फिलिंग कैप पीछे की ओर, यहाँ पे रियर वाइपर और डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे हमें 352 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे फोर्ड का मतलब इको स्पोर्ट का दिया हुआ है टायर, जैसे कि हमेशा गाड़ी में आता है 2012 से 11 या 12 से। तो ये भी मतलब अच्छा लगता है देखने में, टाइटेनियम वेरिएंट है ये। तो जैसे ये टाइटेनियम है, वैसे ही करके इसमें एक एस मॉडल भी आया था, एस वेरिएंट, जिसमें आपके ये रियर का ये स्पेयर व्हील हटा दिया गया था, स्टेपनी जिसे कहते हैं। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब एक लुक इन्हेंस्ड करता है, और मतलब इको स्पोर्ट को हम लोग को ऐसे आदत सा रहा है कि व्हील के साथ ही पीछे देखने का। डीजल में आता है ये, और कुछ इस तरीके से यहाँ का लुक बनता है इस साइड से, और कुछ यहाँ पे लुक आ जाता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बाहर से अंदर चलते हैं। यहाँ पर लॉक एंड लॉक का बटन मिलता है, नॉर्मली हम लोग इस तरीके से दबाएंगे और ये खुल जाएगा। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। ओके, तो अंदर आने पे तो कुछ इस तरीके का है, NVH लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाड़ी का। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यहाँ पे आप अपना म्यूज़िक वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका मिरर देखने को मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इतना प्राइस रेंज में इलेक्ट्रॉनिक दे देना चाहिए था ऑटोमेटिक, लेकिन कोई नहीं, आप यहाँ पे से कर सकते हैं। ऐसा कुछ इंटीरियर है। यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि स्ट्रेचेबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हैंडब्रेक है, काफ़ी अच्छा छोटा सा। गियर नोब है यहाँ पे, लेकिन इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर दिया हुआ है, 6 स्पीड दे देते तो और मज़ा आता। तो पता नहीं कि 1.5 लीटर का, वो तो बाद में बताऊँगा कितना का डीजल इंजन है, कौन सा है। इंजन की बात लास्ट में। तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। क्लच का ट्रैवलिंग भी बहुत कम है, सही है, हाँ कम है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो वैसा देखने को मिलता नहीं है फ्रंट में। यहाँ पे 4 पावर विंडो दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड फोल्ड है मिरर यहाँ का सेट करने के लिए, और आप एडजस्ट भी यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, जिससे आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आराम से चला सकते हैं। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है यहाँ पे, तो उसका भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको 6000 तक RPM का मार्किंग मिलता है, क्योंकि ये डीजल इंजन है। और यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, जिससे आप आसानी से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली गाड़ी में मतलब यहीं पे लॉक एंड लॉक का बटन होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे ना दे करके यहाँ पे लॉक एंड लॉक का दिया हुआ है, एक वॉल्सवैगन का और एक अपना फोर्ड का। ये चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन शायद जिसको आदत पड़ जाए, लेकिन हम लोग को ऐसी आदत है यहीं से लॉक एंड लॉक करने का, तो ठीक भी है, जिसको आदत रहेगा वो यहाँ से कर सकता है। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाता है यहाँ से। मैं आप लोग को पीछे लेके चलता हूँ, चाबी ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ अंदर सामान पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पे अपना बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है, और ये है अपना
पावर विंडो के बटन्स ऐसा कुछ है, और जैसा कि मैंने वो टाइम दिखाया। तो एक चीज़ सबसे बढ़िया है ना फोर्ड की गाड़ी का अपना, कि मतलब और सब गाड़ी में कीलेस एंट्री कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहता है कि यहाँ पे बटन रहता है वो दाबो, इसका टेंशन नहीं। अपना हाथ डालते ही ये अपना लॉक हो जाता है, और हाथ डालते ही अपना फिर लॉक भी हो जाता है। सॉरी, तो ये थोड़ा सा है तो कुछ इस तरीके से रखने पे लॉक हो जाता है, पर ये हुआ नहीं। तो वही है, जिसको आदत रहेगा वो इजीली कर सकता है, लेकिन हम लोग को आदत नहीं है। लेकिन अनलॉक करने वाला बहुत सही है, अपने यहाँ से डालो और तो लॉक अनलॉक कर सकते हो, तो सही है इसका। सो गाइस, एक बार मैं आप लोग को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लच प्रेस किया और पुश स्टार्ट बटन दबाया। ओके, तो ये गाड़ी अपना स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का अपना स्पीडोमीटर है, और आप लोग नॉइस सुन पा रहे हैं। तो जैसे कि ये थ्री सिलेंडर इंजन है, मैं बंद कर देता हूँ। जैसा कि ये थ्री सिलेंडर इंजन है, मैं आप लोग की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ इंजन का। तो इसे लॉक कर देता है। तो ये आता है इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन। सो गाइस, ये गाड़ी प्रोड्यूस करता है 99 BHP 215 Nm टॉर्क, और ये डीजल इंजन है तो ये इतना पावर दे रहा है। लेकिन इसमें ये है ना, थ्री सिलेंडर इंजन है, और सब अगर आप देखते हैं जैसे कि अपना किया सेल्टॉस और क्रेटा, वैसे किया सेल्टॉस क्रेटा में सेम ही इंजन आता है। तो वो सब अगर आप देखते हैं तो वो सब में अपना 5-speed मैनुअल गियर है, और वो 4-cylinder डीजल इंजन है, तो उसमें नॉइस पता नहीं चलता है। इसमें अगर आप अंदर भी बैठते हैं तो आपको साफ साफ सुनाई देता है कि हाँ आवाज़ आ रहा है, मतलब गाड़ी स्टार्ट है, और बाहर निकलने पर तो आता ही है। लेकिन अगर आप हुंडई के मारुति के इंजन की तरफ जाते हैं तो आप लोग को एकदम पता नहीं चलता है गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। तो ऐसा कुछ है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं बताने के लिए। और लास्ट में बस यही बताना चाहूँगा, अगर आपको ये गाड़ी मिल रहा है अभी भी तो ले लो। और वैसा है, सिर्फ बात का बात है कि सर्विसिंग ये सब में ज़्यादा लगता है, सर्विसिंग कॉस्ट उतना ही आता है, मैक्स टू मैक्स 5,000, उससे ज़्यादा नहीं जाता। हाँ, पार्ट चेंज होगा तो पार्ट चेंज में थोड़ा सा कॉस्ट ऊपर आएगा, नहीं तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, चलाने में पूरा मज़ा देगा। कॉम्पैक्ट SUV में आता है, और फिर भी गाड़ी देखने में अच्छा बड़ा सा लगता है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो बस इतना गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।